चंद्रकेशव रेड्डी, मुझे मारने में एक मिनट भी देर मत करो, मार डालो मुझे, मुझे मार डालो, तुम्हें देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। जीने की कोशिश करो, इस तरह मारने के लिए कहोगे तो कैसे मारूंगा हा? अपने बचने की कोशिश करो, घिन आती है तुमको देखकर। जी बचने की कोशिश करो, बात करता है। प्लीज देखो, मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरह से मुझे मत तड़पाओ, एक बार में मुझे खत्म कर दो, मार डालो मुझे प्लीज। क्यों? अब अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है? जब तुम दूसरों को मारते हो तब क्या उन लोगों को डर नहीं लगता होगा? छे, मेरे गांव का होकर भी आवाज से ही मर गया, बुजदिल कहीं का। हेलो, सुनो शिवाजी, चंद्रा केशव रेड्डी जिंदा है, कल अपना शेर गांव आ रहा है। कुंवर जी जिंदा है बेटी, कुंवर जी जिंदा है। माँ, तुम्हारे पिताजी जिंदा है। लो अपने कपड़े पहन लो। जी भाई। बोलो रेड्डी साहब, तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 6 मिनट के बाद तुम्हारे आदमी और तुम्हारा सामान यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, चलो जाओ। एक ना एक दिन इन लोगों को यहाँ से जाना ही था। लगो दादाजी। बेटी तुम कौन हो? भैया ये तुम्हारी भांजी है। कैसी हो बहन? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं बहन। बहन हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता, माफ कर देना मुझे। मार डालो उसे। हम दोनों एक ही माँ की औलाद है, एक साथ बड़े हो गए, फिर वो मेरी जिंदगी में आए। अगर तुम उसे मानना चाहते हो तो मेरे सुहाग की चिंता मत करो। मैं
बाबू अपनी बहन को टिक्का तो लगाओ। अपने भाई के मांगने पर तुम अपना सुहाग देने को तैयार हो गई, मुझे तुम पर नाज है बहन। आओ क्यों रे, जीजा अपने साले को सर पर बिठा कर रखता है और तुम मुझे मानना चाहते थे। तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बहन का सुहाग हो। आज के बाद तुम मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना इस उंगली से तुम्हारे गले में छेद कर दूंगा। फूट लो अब जाओ बहन। भाई वो शंकर जी एमपी बन गए हैं और शिवाजी मिनिस्टर बन गया है और पांडे जी ने हैदराबाद बहुत लफड़ा किया भाई। वो मिला कि नहीं? नहीं भाई अभी तक तो नहीं मिला। प्रभु रामचंद्र जी ने 14 साल वन में काटे और आपने 22 साल जेल में विधाता का ये कैसा खेल है? 22 सालों तक जो कष्ट उठाता रहा मुझे उनका दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि औरत महान होती है। आज देख रहा हूं ये हमारा ही बेटा है ना। ये बिल्कुल मुझ पर गया है। हाँ। मेरे जैसी ताकत है ना इसमें। हाँ आपका ही बेटा है। इंस्पेक्टर हो ना, नौकरी से घर संभालोगे। तुम्हारी नौकरी अगर किसी और को मिल जाए तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये नौकरी छोड़कर हमारे पास आ जाओ, राजा की तरह रहोगे, वादा है ये। बोलो मेरे साथ रहोगे या वर्दी के साथ मरोगे? पत्थर का शरीर लेकर बम और हथियार से खेलते हुए आप अपनी जिंदगी में कभी चैन से नहीं सो पाए। अब भी वक्त है, सबको छोड़कर आराम कीजिए। सत्या शेट्टी, पहले तुम्हारे मुंह से उपदेश सुनता था, अब इसके मुंह से सुनने पड़ रहे हैं। लगता है ये बहुत भूखा है, खाना खाकर सो जाना बेटे। ये बड़ा सिंसियर ऑफिसर है, अगर उससे बचना है तो उसका सहारा लेना होगा। लगता है उनके ब्लड में ही सिंसियरिटी है। इसका मतलब हमारे ब्लड में सिंसियरिटी नहीं है? आपके ब्लड में और उनके ब्लड में अंतर है, समझे? हम क्या बेवकूफ हैं? समझाता हूँ। अबे देखो ये विस्की इसमें डाल दिया मैंने और ये सोडा। अब देखना, विस्की में जलती आग के तीले डालो तो भड़क करके जलती है, ऐसा है उनका ब्लड, समझा है? और ये तुम्हारा भुज भुज करके सब फोस हो जाती है, ये सब तुम्हारा ब्लड, समझे? जान से मार डालूंगा तुझे अगर फालतू बात किया तो, समझा? एसपी हमारे एरिया में रहेगा तो हमारे लिए सेफ्टी होगी, या तो ये उसे मार डालेगा या फिर वो इसे मार डालेगा। दोनों ही सूरत में फायदा हमारा ही है। हेलो। हेलो सर, नमस्कार, मैं काशी रेड्डी। हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, वो कुछ थैंक यू वेरी मच सर, हमारा काम हो गया, चलो खाना खाते हैं।
ये फोटो यहाँ क्यों है? हाँ? तुमसे कहा ना ये फोटो यहाँ नहीं रहेगी। हाथ हटाओ। हाथ मत लगाना इस फोटो को, काट डालूंगी। अब तक तुमने मुझे अपनी पत्नी के रूप में देखा है, अगर ये फोटो यहाँ से हिला तो तू मुझे चंद्रा किशोर रेड्डी की बहन के रूप में देखेगा। आग लगे हुए घर में औरत को छेड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फोटो ही तो है ना, लगे रहने दे। चलो खाना। कितने दिनों के बाद गांव का खाना खाने को मिल रहा है ना, बहुत अच्छा था। डैडी, अंकल बिल्कुल भरत जैसे लगते हैं ना? ये भरत जैसे नहीं लगते, भरत इनके जैसा लगता है। दोनों में फर्क क्या है? एक पेड़ और पौधे में जो अंतर होता है वही। मेरी बेटी ने 6 दिन से खाना नहीं खाया। जब से आपके बेटे भरत का ट्रांसफर हुआ है, मैं अपनी बेटी को शादी से पहले उसके ससुराल भेजूं या शादी होने के बाद, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता छोड़कर अपनी बेटी को यहीं छोड़ जाइए। ये खुशकिस्मत है जो ऐसा पति मिल रहा है। शादी का मुहूर्त निकलते ही आपको खबर कर देंगे। ठीक है, खाना खाइए।